टू माई चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई एक न्यू एंशिएंट सिटी व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। और ये देखिए मम्मी लेकर आई हैं जलेबी। अक्षु के लिए, मैं तो खाती नहीं, मुझे तो बहुत गंदी लगती है इसका टेस्ट, क्योंकि ये बहुत रसीली होती है और मुझे मीठे से इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं अक्षु को करके देती हूँ। अम्मा जलेबी लेके आएंगे तुम के लिए, खाओगे? खोलो उसको, गरम है बाबू, आराम आराम से खाइयो, गरम है, खा के देखो, आराम से, गरम है ना? गरम है, झूठ बोलती है तुम मम्मा चे। मेरी वीडियो नहीं आई थी इसके लिए सॉरी। और क्योंकि ना फ्रेंड इस समय पार्सल बहुत ज़्यादा ऑर्डर में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, तो उसमें मुझे पूरा दिन हो गया था ऑर्डर्स लेते लेते। फिर पैकिंग वैकिंग बहुत सारी की थी और कोरियर के भी पार्सल थे, 4-5-6 समथिंग पार्सल थे कोरियर के, बाकी के पोस्ट ऑफिस के पार्सल थे। तो वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, आगे आपको मिल जाएगी। तो बस यही था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी कल। देखिए फ्रेंड स्वीट तैयार कर रहे हैं कोरियर के पार्सल। ये है कोरियर के पार्सल, आप देख सकते हैं। और जो पोस्ट ऑफिस वाले पार्सल थे वो सारे निकल चुके हैं। बन गए स्वीटी, एड्रेस तैयार हो गए? बन गए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है ना स्वीटी के, मतलब सेलिंग है नहीं है, बंद कर दिया क्या? बंद कर दिया, बंद नहीं करी है फ्रेंड, बस वीडियोस नहीं बनाती मैं पार्सल के, वरना सेलिंग वेलिंग बंद नहीं करी है। इतना टाइम नहीं रहता कि वीडियोस बना पाऊँ, पर मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और ये देखिए पार्सल, ये कहते हैं 5 kg का और ये 6 kg का, बाकी के ये 2 kg के दो, और ये वाला 1 kg का है, वो 2 kg का है। ये कोरियर के पार्सल है और जो पोस्ट ऑफिस वाले वो निकल चुके हैं। तो फ्रेंड खाना मैंने कर लिया है, चलिए हम लेके चलते हैं। पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ किचन का। ये देखिए खाने में मैंने लिया है एक रोटी, चावल, दाल, इसको नाम नहीं पता कौन सी दाल होती है, आम का अचार छोटा सा, और प्याज। आ जाइए फ्रेंड खाना खा लीजिए, यम्मी यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, आज मम्मी बना रही है मेरी फेवरेट सब्जी मिक्स वेज, यानी कि मिक्स वेज में है गाजर है, आलू है, और ये है बंद गोभी। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपको कैसी लगती है फ्रेंड ज़रूर बताएं कमेंट में। और मम्मी ने चाय बना ली है, चाय मम्मी मेरे लिए करी है, चाय टेस्ट करके बताता हूँ मैं। हाँ टेस्टी है। और ये अंशु जी खड़ी हैं सामने, क्या हो गया? ओ सो के उठी हैं अंशु जी। बाबू का खाला है, मुझे खिला दो, मेरा झूठा हो जाएगा। झूठा हो जाएगा? हाँ, पहले ये झूठा हो जाएगा, तुमने काट लिया तो। अरे मुझे खिला दो, खा लूँ मैं? सिर्फ एक। एक नहीं, 4 खाऊंगा मैं। मेरा है वो। तो खा लें दो। तो मुझे नहीं खिलाएगा? तो मुझे सिर्फ एक मिलेगा। एक मिलेगा? अब मैं तो 4 खाता हूँ, खा लूँ मैं इसके 4। खा लंदो। फ्रेंड हम घूमने आए थे खेत खलियान में, आपको दिखाती हूँ पीछे का नज़ारा। ये है स्वीटी, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, कुछ चाहिए हो तो ले। इतने सारे उपले ही उपले, उपले ही उपले, उपले ही उपले, वैसे इसको कंडे भी बोलते हैं, हम तो कंडे बोलते हैं, बहुत लोग उपले भी बोलते हैं। वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा चट्टा लगा पड़ा है ना। मेरा मन कर रहा था टिक्की खाने का, टिक्की नहीं मतलब हमारे यहाँ बोलते क्या बोलते हैं स्वीटी, भल्ला बोलते हैं, यहाँ पर जलाली में बोलते हैं टिक्की। तो हम खाने के नहीं आए थे टिक्की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाया जाए आपको। ये देखिए कितने सारे उपले हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सूरज छुपता जा रहा है, शाम के लिए कंडे जलाने होंगे फ्रेंड, ठंड बहुत है। तो आप ले जाइए यहाँ से, ऑर्डर दे सकते हैं इसका भी, ये मेरा ही है सब कुछ। आपके लिए का जैसे ऑर्डर देते हैं वैसे इसका भी दे सकते हैं। मजाक था भाई, इतना सीरियस मत लेना इस बात को। चलो स्वीटी थोड़ा सा ना इसको ऐसी करके लेते हैं वीडियो को, चलो। तो फ्रेंड्स अंशु बोल रही थी मुझे टिक्की खानी है,
तो मैं चिट्ठी खिलाने के लिए लेकर आया था। वैसे तो घर पे भी लेकर जा सकता था मैं, मैंने सोचा अंशु को बाहर ही खानी थी, इसीलिए हम आए हैं टिक्की खाने के लिए। भैया बन गई टिक्की, बना दो। तो फ्रेंड देखिए, इन भैया के दुकान पर भीड़ लगी रहती है, और ये अंकल थे, ये इन्हीं की दुकान थी। आज उनके बेटे चला रहे हैं, ये बड़े बेटे हैं और ये छोटे बेटे हैं, तो ये दोनों ही चलाते हैं। और बहुत फेमस है इनकी ये चाट की ठेल, बहुत ज़्यादा फेमस है। और मतलब ये समझ लो इनकी दुकान हमेशा फुल रहती है कस्टमर से। तो देख लीजिए आप, हमेशा इतनी फेमस है। भैया मेरी इज्जत देख रहे हैं। और ये बनवा ली है स्वीटी ने टिक्की। मुझे मीठी चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्वीटी की चटनी, स्वीटी की उसमें मीठी चटनी और खट्टी चटनी डालना जल्दी है, और मेरे में सिर्फ ग्रीन चटनी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। टिक्की खा लीजिए आप भी, आ जाइए फ्रेंड, टिक्की खा लीजिए, साथ साथ करो फोटो लो। तो आ जाइए फ्रेंड, टिक्की शेयर कर लीजिए मेरे साथ। टिक्की खा ली और सीटी खाने में लगे पड़े हैं, लगे पड़े। सीटी कैसी लगी? खाने मत दो। फ्रेंड बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होती है इनकी टिक्की, और अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ की फेमस टिक्की है। चलिए अब चलते हैं, हम कर रहे हैं पेमेंट। सीटी ने कर दिया है पेमेंट। ब्लॉगिंग अंशु सीटी ब्लॉग, भैया अंशु सीटी ब्लॉग, आपकी दुकान की तारीफ कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम जा रहे हैं घर पर, हमने खा लिया टिक्की, टिक्की खाकर आ गया मुझे मजा। सीटी तुम्हें आया मजा? बहुत सारा। आई होप कि आया ही होगा, मुझे पता है। अब तुम्हें क्यों आया, तुम तो आ ही नहीं रहे थे, घर पे लेकर आऊंगा, मार्केट में जाके खाने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है ना? फ्रेंड तो बताइएगा फ्रेंड, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ब्लॉग बहुत छोटा है मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं फ्रेंड, मैंने जैसे कि आपको बताया है ये ब्लॉग में बहुत सारे ऑर्डर लग रहे हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ी घिरी घिरी सी हो रही हूँ। आपके लिए मैं लॉन्ग ब्लॉग भी लेकर आऊँगी, और जो एक दो दिन ब्लॉग नहीं आए हैं या नहीं आएंगे उसके लिए बहुत सारा सॉरी, पर अब रेगुलर लाऊँगी मैं। और कभी स्वीटी दिखेंगी, कभी क्यों स्वीटी नहीं दिखेंगी ब्लॉग में, क्योंकि अब उनकी ड्यूटी लगेगी, तो इसलिए मैं अकेले ब्लॉग भी बना सकती हूँ। तो प्लीज़ एंजॉय करिएगा जैसे आप अभी तक कर रहे हैं। एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक कमेंट से क्या होता है, इंसान मोटिवेट होता है, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स फील होता है और लगता है कि कोई अपना कमेंट कर रहा है, बस ये चीज़ होती है और कुछ नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ। ओके बाय।